मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, जिसके बाद इन नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है। हमने पूर्व मंत्री अचय चिटनिस का बंगले पर भी पहुंचे, हम मनोज तारवाला के बंगले पर भी पहुंचे, हम हर्षवर्धन सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे। यहाँ पे भी मायूसी छाई हुई है, यहाँ पे कोई भी उत्साह, कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल सब इंतजार कर रहे हैं तो सूची का, भाजपा की जहाँ पांचवी सूची जारी होने वाली है तो वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बुरहानपुर से भाजपा की सूची जो जारी होगी, जिसमें भाजपा प्रत्याशी का नाम होगा, वो पहले नंबर पे अर्चना चिटनिस है, दूसरे पे हर्षवर्धन सिंह चौहान, तीसरे नंबर पे मनोज तारवाला है। यदि कांग्रेस की सूची भी आज जारी होती तो उसमें पहला नाम आ रहा है अजय रघुवंशी का और ठाकुर सुरेंद्र सिंह का, तीसरे नाम में यहाँ पे इंद्र सेन देशमुख का नाम भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, अब चुनौती यह है कि 17 नवंबर को चुनाव है, मतदान है, और अब बचे हैं केवल 29 दिन। इन 29 दिन में बुरहानपुर विधानसभा में 41 पंचायत आती है, जिसमें 80 से अधिक गांव हैं। इसी तरीके से करीब 82 पंचायतें नेपरनगर विधानसभा में आती है, करीब 150 से अधिक गांव यहां पे आते हैं। अब चुनौती ये है कि ये नेता जो है ये कैसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे, कैसे घर घर दस्तक देंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके हल के रूप में इन्हें केवल आम सभाओं को ही लेना पड़ेगा। शहरवासी लगातार नजर बनाए रखा है चैनल पे, टीवी न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, भोपाल की खबरें देख रहे हैं, दिल्ली की खबरें देख रहे हैं, ताकि कब बुरहानपुर की सूची जारी हो। नेपानगर जो है, नेपानगर से यहाँ पे सुमित्रा काजरेकर का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वहीं अगर सुमित्रा को लेके कुछ आनाकानी हुई तो मंजू दादू को टिकट मिल सकता है, संभावनाएं सुमित्रा काजरेकर की। कांग्रेस में गेंदुभाई का नाम दिख रहा है, चौहान है वो प्रबल दावेदार माने जा रही है यहाँ पे, और उनके पास कोई दूसरा टक्कर में भी नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर शहरवासियों की नजर न्यूज चैनल पर लगी है, मीडिया की नजर भी न्यूज चैनल पर लगी है। अब देखते हैं क्या होता है। बड़ी चुनौती तो यही है कि ये नेता टिकट मिलने के बाद कैसे गाँव गाँव तक पहुंचेंगे, कैसे घर घर तक पहुंचेंगे, बड़ी चुनौती होगी। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर।